क्यों नहीं होता ये अगले सवाल पे मैं आ रहा था कि क्यों नहीं होता ये इनकी प्रायोरिटी क्यों नहीं होती सारे लीडर सारे लीडर्स इस बारे में बात क्यों नहीं करते है? मुझे मीडिया भी इतना अगर एड चल रहा है तो भाई मीडिया को भी तो मीडिया तो एक टॉपिक पर अलमदुल्ला दस दस पंद्रह पंद्रह दिन बात होती है तो आई नॉट सी टॉकिंग अबाउट दिस मैं आपको बताऊँ कि uh, actually, जो पाकिस्तान की कोर इशूज़ हैं ना वो ज्यादातर ऐसे हैं जिनके अंदर जब आप टाइम एनर्जी और पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो सामने आपको कोई इमारत की तरह नजर नहीं आता कॉन्सेप्ट है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ ब्रिजेस बनाओ रोडे बनाओ पुल बनाओ सरिया लगाओ जो दिखेगा। जो दिखेगा दिखेगा दिखता बिकता है सरियाजेक्टली exactly. कराची के अंदर कोई पॉलिटिकल पार्टी जो लोकल गवर्नमेंट या सुबाई हुकूमत अब तो बीस साल से ज्यादा हो गया ना पीपल्स पार्टी की है सर आप भी नाज में रहते हैं मैं भी रहती हूँ हमारा गटर का सीवेज का काम नहीं होता पानी का काम नहीं होता

पास्ट उठा कर देखें yes. इंटेलेक्चुअल्स निकल रहे हैं क्या टाइम था एंड देन आज का उठा के देखें आपको दिख जाएगा पाकिस्तान कहाँ से कहाँ आ गया है बिल्कुल सही है तो अब इसी तरह जो पॉपुलेशन मैनेजमेंट गवर्नमेंट का एजेंडा क्यों नहीं होता क्योंकि सामने नजर नहीं आता एक पॉलिसी स्ट्रक्चर है लेकिन इंतहाई अहम पॉलिसी स्ट्रक्चर है जैसे मैंने शुरू में बात की कि नाउ इज द टाइम टू हिट द रेड बटन टू हिट द टू दू जिसे ना पुल द इमरजेंसी बटन अगर अब भी नहीं हुआ ना तो हम बहुत बड़े डिजास्टर में होंगे सिर्फ ये सोच लें कि जिस बैंक में में जाके आप लाइन लगते हैं वो लाइन गुना बड़ी होगी जहाँ पे आप अपने बच्चे के एडमिशन के फॉर्म के लिए तीन महीने वेट करते हो आपको दस गुना ज्यादा टाइम के लिए वेट करना पड़ेगा क्योंकि रिसोर्स नहीं बढ़ रहे सिर्फ जरूरतें बढ़ रही मिनिस्ट्री है कोई पॉपुलेशन मैनेजमेंट जो है वो बेसिकली हर सूबे की एक मिनिस्ट्री ऑफ पॉपुलेशन अफेयर्स होता है मुल्क तो, में वो आ, उसके पॉपुलेशन मैनेजमेंट की एक इधारा है उसके नीचे आता है लेकिन इस ऊपर काम नहीं मिनिस्टर कौन होता है इसका मिनिस्ट्री में कौन होता होगा अच्छा मैंने सुना है बिकॉज मैं तो नहीं रही हम तो अपोजिशन में थे हमने सुना ये है कि जिस मिनिस्टर से सीएम नाराज होता है ना उनको सज़ा के तौर पे पॉपुलेशन वेलफेयर या स्पेशल पर्सन का डिपार्टमेंट दे दिया जाता है ये और आम में बताया जाता है कि जो बेचारे को सज़ा दे रही हो ना तो उनको यहाँ पे आप कर देते हैं इसीलिए आप देखें ना कि किसी पार्टी के किसी स्ट्रक्चर में उनकी स्पीचेस में उनकी डिबेट्स में उनकी कोई एजेंडा पे नजर नहीं आता बट वी हैव टू चेंज दिस देखिए खान साहब ने पाकिस्तान को बताया कि जी ग्रीनरी की हमें जरूरत है आपका पैशन देखकर मैं चाहता हूँ कि आप मिनिस्टर बने फेडरल पर द द काइंड काइंड ऑफ ऑफ पैशन यू यू हैव हैव अंडरस्टैंडिंग बिकॉज मैं आपके सामने बैठा हुआ ना तो मैं तो एक जनवन इंटरेक्शन कर रहा हूँ आंखों में आके देख के तो मुझे अंदाजा हो रहा है जिस तरह से स्पीच से आप बोल रही है ना तो वो स्पीच तभी आती है जब आपके अंदर भरा हुआ होता है आपने काम किया होता है और आपको दुख होता है ना तभी आपके मुंह में एकदम कॉन्स्टेंट अल्फाज आ रहे होते हैं और फिर टॉपिक यहाँ यहाँ चल रहा होता है क्योंकि आपको सारे दुख दिख रहे होते हैं सो अल्लाह करे कि इंशाल्लाह आप जल्द इस फील्ड में तरक्की करें बिकॉज वी नीड पीपल लाइक यू यार करेंड्रेड परसेंट चाहे किसी भी पोलिटिकल पार्टी से हम तो स्टार्ट में भी हम लोग इसी तरह बात करते हैं कि हम पूरे रीजन की बात कर रहे हैं तो हम mm. वो बात करते हैं जो अच्छी लगती है जो अच्छी है जो दिख रही होती है कि हाँ बॉस इसमें हो सकता है इस इंसान में आई वुड लाइक टू ऐड एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पे हर पॉलिटिकल पार्टी को mm -hmm. सोचना है कि पॉपुलेशन मैनेजमेंट को आपने नेशनल एजेंडा बनाना है इट कैन नॉट बी वन पोलिटिकल पार्टीज एजेंडा कि जब उनकी हुकूमत आएगी तो दो साल पाँच साल काम करेंगे फिर खत्म नहीं इस वक्त पाकिस्तान की देखिए जिस तरह हमारे डैम्स बनाए सी जे पी साहब ने डैम्स के एजेंडा को ओन किया इस वक्त ज़रूरत है कि पूरे तमाम सेक्टर्स चाहे जुडिशरी हो चाहे मीडिया हो चाहे पोलिटिकल पार्टीज हो या हमारी आर्म फोर्सेज हो एवरी वन हैडॉप्ट दिस एजेंडा की जी पाकिस्तान में बढ़ती हुई आबादी एक मसला है इसकी तरफ तोजह दिलानी है और इसको सीरियसली इसके ऊपर काम करना है अदरवाइज देखिए एक हुकूमत आएगी थोड़ा सा काम शुरू करेगी अगली हुकूमत उसको डम कर देगी फिर कोई तीसरी हुकूमत आएगी वो थोड़ा काम करेगी फिर उसको डम कर दिया जाएगा नो जैसे हमने टेरिज्म के खिलाफ एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया ना तो वी बीन नेशनल एक्शन प्लान फॉर पॉपुलेशन मैनेजमेंट जिसमें तमाम पोलिटिकल पार्टी उस चार्टर को साइन करें कि जहाँ भी उनकी हुकूमत होगी वो पॉपुलेशन मैनेजमेंट को अवेयरनेस को एग्जीक्यूशन को अपना टॉप प्रायोरिटी एजेंडा बनाएंगी इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को अपने आने वाले इस इलेक्शन में जो आठ फरवरी को है पाकिस्तान में उसके अंदर इसको टॉप एजेंडा रखना चाहिए बिकॉज ये मेरी आपकी वेलफेयर है इट इज नॉट अबाउट नंबर इट इज़ आर वेलफेयर कि हमें आने वाले वक्तों में रिहाइश पानी खाना हवा सर्विसेज किस नौीयत की मिलेंगी क्या मेरा और आपका आने वाले फ्यूचर में हमारी जनरेशन में से एक नौकरी पर वन एस टू सौ का कंपटीशन चाहिए या वन एस टू एक हज़ार का कंपटीशन चाहिए क्योंकि रिसोर्सेज नहीं बढ़ावा अच्छा है क्योंकि जितनी आबादी बढ़ेगी पोल्यूशन आप देखिए पोल्यूशन बढ़ता है एवरीथिंग आपका वेस्ट मैनेजमेंट कराची का वेस्ट मैनेजमेंट का इज इज कनेक्टेड राइट इट इंटरलिंक्ड है right? देखिए एक बंदा जब आता है दुनिया में तो सब कुछ अवेल करता है ना मतलब वो इत... कचरा भी करता है फिर है फिर जाहिर सी बात एवरीथिंग उनको एजुकेशन is... भी चाहिए उनको वाटर भी चाहिए बढ़ती हुई आबादी को उनको हाउसिंग भी चाहिए उनको जॉब्स भी चाहिए फिर आप देखिए क्राइम रेट क्यों बढ़ता है आपको हर पसमानदा आबादी में ज़्यादा क्राइम रेट मिलेगा क्योंकि उनके रिसोर्सेज मैच नहीं कर रहे होते पॉपुलेशन से जो नीड्स होती हैं वो मीट नहीं हो रही होती नेगेटिविटी की तरफ सोसाइटी जाती है एग्रेशन बढ़ता है एक्सट्रीमिज्म आता है टेररिज्म की तरफ हम चले जाते हैं बिकॉज़ ये सब कुछ हमारी आबादी बढ़ती हुई आबादी और एक ऐसी आबादी जिसको काउंसिल नहीं किया जा रहा जिसके लिए प्लानिंग नहीं की जा रही जिसको वसाइल नहीं नहीं दिए जा रहे हमारा मसला इस वजह से है क्योंकि हमारा तोजन नहीं रहा नहीं। जिस स्पीड से आबादी बढ़ रही है उस स्पीड से तरक्की नहीं हो रही है। नहीं।